क्या हो गया? ओके ओके, और जो भी रिक्वेस्ट. ओके, गुड आफ्टरनून क्लास, दिस इज़ मोनिका. ओके, गुड आफ्टरनून क्लास, दिस इज़ मोनिका दुआ, आई एम योर इंग्लिश टीचर. क्लियर, मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ और आज जो है हम अपना नाउन का जो पार्ट है वो कंटिन्यू करने वाले हैं. क्लियर, बट नाउन का पार्ट कंटिन्यू करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू से समथिंग. आई वॉज जस्ट रीडिंग द कमेंट्स, आपके कमेंट्स में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि कई बच्चों की ये डिमांड थी कि मैम हमें वोकैबुलरी कराइए, लास्ट के जो 10 to 15 मिनट्स हैं वो प्लीज़ वोकैबुलरी पर डिवोट कीजिए. सो बिल्कुल बेटा, मैंने इसके ऊपर वर्क आज से ही करना स्टार्ट कर दिया है, फ्रॉम द टुडे ओनली. आज से ही हम जो है लास्ट के 10 to 15 मिनट्स हम क्या करेंगे, वोकैबुलरी करेंगे. क्लियर, कुछ जितने भी वर्ड्स हो पाएंगे, 10-15 जितने भी वर्ड्स हो पाएंगे हम उनको करेंगे. डोंट थिंक कि मैम तो सिर्फ 10 वर्ड्स करा रही है या मैम तो ओनली 15 वर्ड्स करा रही है. बेशक आप वन डे में 10 करो चाहे 15 करो, बट कोशिश ये करो, एक तो उनको नेमोनिक्स के थ्रू लर्न करो, प्लस उन वर्ड्स को नेमोनिक्स के थ्रू लर्न करने के साथ साथ आप जो इन वर्ड्स को यूज़ करो, क्योंकि आपने अगर उसको अपने माइंड में रख लिया उससे वो जो है बिल्कुल जो है अलग हो जाएंगे. आप उनको यूज़ नहीं करोगे तब तक वो आपके माइंड में फिक्स नहीं हो पाएंगे, लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाएंगे. क्लियर, तो आज से ही हम अपना वोकैबुलरी सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं जो लास्ट के 10 to 15 मिनट्स हुआ करेगा. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सम स्टूडेंट्स वर सेइंग कि मैम जो है रिकैप्चुलेट जो है बहुत फास्ट कराती हैं. बिल्कुल, रिकैप्चुलेट का मतलब क्या है कि जो भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है उसको एक बार क्विकली जो है रिवाइज कर लेना. अब आप मुझे बताइए, रिकैप्चुलेशन के लिए जो है अगर मैं 10 to 15 मिनट्स लूँगी तो आपको नहीं लगता इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा. क्लियर, तो यही कारण है रिकैप्चुलेट मैं बहुत फास्ट कराती हूँ, और बल्कि मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि जब मैं रिकैप्चुलेट करा रही हूँ तो आप भी जो है मेरे साथ साथ वो रिकैप्चुलेट करें, ताकि आपको खुद को ये रहे कि मैम जो है कितना, मतलब हमने जो है कितना पढ़ लिया और जितना पढ़ा था क्या वो फटाफट जैसे मैम के माइंड में आ रहा है, हमारे माइंड में आ रहा है या नहीं आ रहा. क्लियर, ठीक है, तो यहाँ से आज से हम जो अपना नाउन का टॉपिक क्लियर कंटिन्यू करने वाले हैं, और होपफुल जो है आज नाउन जो है हमारा कवर हो जाएगा. कवर होने के बाद कल हम देखेंगे अपनी ब्रेक नेक ड्रिल करेंगे, ठीक है, नाउन से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होंगे उनसे मैं जो है जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको फिल्टर करूँगी, और फिल्टर करने के बाद आपके सामने प्रेजेंट करूँगी. ठीक है, एक बात जो मैं हमेशा लास्ट में कह के जाती हूँ, क्या कि जब भी अगर आपको मेरा सेशन समझ में आता है तो प्लीज़ #, वी गॉट इट ज़रूर लिखिए. आपको पता है ये किसने कहा गया, मैंने क्यों सोचा ऐसा हो, देखिए जितने ज़्यादा मुझे # वी गॉट इट दिखेगा उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन रहेगा कि मैं आपके लिए कुछ नया, कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आऊँ. तो आप भी चाहते हैं कि हमारे जो टीचर हैं हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं, आप # वी गॉट इट कीजिए, और प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरी क्लास को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए. क्लियर, तो यस, आज से हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं नाउन का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो है नाउन एंड केसेस. ठीक है, और रिकैप्चुलेट हम लोग लास्ट में करेंगे, नाउन एंड केसेस. कल हमने जाते जाते पोजेसिव पोजेशन स्टार्ट किया था, वो जो पोजेशन पार्ट है वो आगे पूरा इसी के अंदर ही कंटिन्यू हो जाएगा. क्लियर, यस, नाउन एंड केसेस. केसेस का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने हिंदी जनरल तो पढ़ ही रखी है, हिंदी में केसेस होते हैं कारक. क्लियर, यानी नाउन हमारे किस किस फॉर्म में, किस किस केस में हमारे सामने आती है, हमारे सेंटेंस में किस किस फॉर्म में बनकर हमारे सामने आती है. क्लियर, तो वो 4 केसेस होते हैं. कौन कौन से केसेस होते हैं, 4. सबसे पहले कौन सा होता है बताइए, कौन सा होता है, यस, सब्जेक्टिव. इसका एक दूसरा नाम भी है, मैं चाहती हूँ कि आप वो मुझे बताइए. सब्जेक्टिव, इसको बोला जाता है नॉमिनेटिव. क्या बोला जाता है, नॉमिनेटिव. क्लियर, इसके अलावा एक हमारा केस होता है ऑब्जेक्टिव. कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव, यस. इसके अलावा हमारा एक केस होता है पॉजेसिव. कौन सा होता है, पॉजेसिव. क्लियर, और इसके अलावा हमारा एक और केस होता है, वो कौन सा होता है, वोकेटिव. ठीक है, ये हमारे नाउन के 4 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव जिसको नॉमिनेटिव भी कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड वोकेटिव. क्लियर, अब ये केसेस होते क्या हैं, एक्चुअली केसेस का मतलब ये है कि हमारी नाउन जो है जब किसी सेंटेंस में आई, किसी भी सेंटेंस में जो नाउन है वो नाउन जो है सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स हैं उन अदर वर्ड्स के साथ नाउन का क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को ही क्या बोला जाता है, केसेस. क्या बोला जाता है, केसेस. क्लियर, ठीक है,
अब हम वन बाय वन इन केसेस के बारे में पढ़ेंगे, बट हमारे लिए जो मेन केस है वो है पोजेसिव केस, जिसके बारे में हमने पढ़ना है. क्लियर? और जो हमने कल पोजेशन के 2-3 स्टार्टिंग ही की थी, पोजेशन ऑफ नाउन की जो हमने पोजेशन के 2-3 रूल्स किए थे, उन्हीं को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे रिकैप्चुलेट करते हुए. ठीक है, सबसे पहले यस, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, इसको हिंदी में बोला जाता है कर्ता कारक. क्लियर? क्या बोला जाता है? कर्ता कारक. यानी जब जो नाउन होती है सब्जेक्ट में एज अ सब, जब जो नाउन होती है सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज होती है, कैसे यूज होती है? एज अ सब्जेक्ट, उसको कहा जाता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस. क्लियर? क्या व्हेन नाउन इज यूज एज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस. एग्जाम्पल दिया जाएगा भी, इसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी समझ लेते हैं. क्या नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑब्जेक्ट. व्हेन नाउन इज यूज एज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस. क्लियर? अब यहां से मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे राम लव्स सीता. क्लियर? राम लव्स सीता, ये हमारे पास सेंटेंस है. इस सेंटेंस में वी हैव टू नाउन, हमारी दो नाउन है. क्लियर? कौन कौन सी? राम एंड सीता. अब बताइए, जो ये राम है, इतना आप सब अब तक समझ चुके हो, ये जो राम है इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट है या एज अ ऑब्जेक्ट है? बताइए क्या है, एज अ सब्जेक्ट है या एज अ ऑब्जेक्ट है? ये क्या है? एज अ सब्जेक्ट. तो इसे क्या कौन सा केस कहा जाएगा? सब्जेक्टिव केस, या बोला जाएगा नॉमिनेटिव केस. क्लियर? और सीता, दिस सीता, ये सीता हमारे सेंटेंस में किस तरह से यूज हुई है, कौन सी फॉर्म में यूज हुई है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में. तो इसे बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव केस. क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस. क्लियर? अगर मान लो मैं इसी सेंटेंस में ये चेंज कर दूं, अब मैं क्या लिखूं, राम लव्स सीता ना लिख के क्या लिख दूं, सीता लव्स राम. क्या लिख दूं? सीता, सीता लव्स राम. ध्यान से सुनिए, सीता लव्स राम. तो ये जो सीता और ये राम, अब बताइए ये जो सीता है ये इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट है या एज अ ऑब्जेक्ट है? बताइए, सब्जेक्ट है. तो अब ये कौन सा केस बन गया हमारा? सब्जेक्टिव केस. क्या सा बन गया? सब्जेक्टिव केस. बिकॉज सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एनी एक्शन. किसी भी काम को करने वाला जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट. और यस, डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशन है हमारी, दैट इज राम. सीता किसको बिहार करती है? राम. तो राम क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट. तो ये हम अब हमारा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस. क्लियर? बोथ केसेस आर क्लियर? यस. पोजेसिव पे आएंगे, उससे पहले चलते हैं वोकेटिव. वोकेटिव को ये हिंदी में होता है कर्ता कारक, ये होता है हिंदी में कर्म कारक. पढ़ा था ना हमने कर्ता ने कर्म को. क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं वोकेटिव. वोकेटिव होता है संबोधन. किया था कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, एंड संबोधन हे अरे. संबोधन का मतलब वोकेटिव. वोकेटिव का मतलब क्या होता है? वोकेटिव का मतलब होता है किसी को वोकेट, बुलाना. जैसे हे राम कम हेयर, हे राम कम हेयर. तो यहाँ पे मैं राम को क्या, बुलाने के फॉर्म में यूज कर रही हूँ ना, सो दैट इज योर वोकेटिव केस. क्लियर? तो इन तीनों केसेस से रिलेटेड पेपर में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं. जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं? पोजेसिव केस से. कहाँ से अराइज होती हैं? पोजेसिव केस से. क्लियर? तो इसीलिए अब हम इसको डिटेल में करेंगे. किसको? पोजेसिव केस. किसको पढ़ेंगे? पोजेसिव केस. यहाँ तक सभी को क्लियर है? केस मैंने आपको बताया क्या होता है. केस मीन्स की किसी भी सेंटेंस में नाउन का अदर्स जो हमारे वर्ड्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, उसी को बोला जाता है केस. हमारे नाउन के 4 केसेस होते हैं. कौन कौन से? नॉमिनेटिव, ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव, देन पोजेसिव, एंड देन वोकेटिव. क्लियर? नॉमिनेटिव क्या होता है? जो सब्जेक्ट की फॉर्म में आता है. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आती है जब नाउन, ठीक है. पोजेसिव आपको पता ही है, पोजेशन. पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, ऑनरशिप. क्लियर? और वोकेटिव होता है किसी को वोकेट, किसी को बुलाना. क्लियर? अब हम पढ़ेंगे पोजेसिव केस. यस, पोजेसिव केस. यस, सबसे पहले पोजेसिव केस. पोजेसिव का मतलब क्या होता है? पोजेशन. पोजेशन में मींस ऑनरशिप, कुछ भी ऑनरशिप होना, किसी का अधिकार होना, उसे बोला जाता है पोजेशन. क्लियर? कोई भी पोजेशन होना उसको क्या बोला जाता है?
अधिकार, क्लियर पोजेसिव केस. जैसे मैंने आपको बोला, एग्जाम्पल दिया, शेक्सपियर प्ले. क्या एग्जाम्पल दिया? शेक्सपियर प्ले. क्या मतलब हुआ शेक्सपियर प्ले? कि शेक्सपियर का प्ले, ठीक है. अच्छा, इससे पहले एक चीज और, पोजेसिव, जब भी हमें नाउन का पोजीशन बनाना होता है, जब भी हमें नाउन का पोजीशन बनाना होता है, तो हम दो तरीके से बनाते हैं. कैसे? या तो हम यूज करते हैं अपोस्ट्रॉफी एस. क्या यूज करते हैं? अपोस्ट्रॉफी एस. या फिर हम यूज करते हैं ऑफ. क्या यूज करते हैं? ऑफ. क्लियर. हम नाउन का पोजीशन दो तरीकों से बनाते हैं. कौन से दो तरीके हैं? अपोस्ट्रॉफी एस या ऑफ. क्लियर. अब हम ये पढ़ेंगे, ये जो अपोस्ट्रॉफी एस है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है. इज दैट क्लियर? हाँ जी. यहाँ पे थे हम इस एग्जाम्पल पे, शेक्सपियर्स प्ले, यानी शेक्सपियर का प्ले, यानी ये प्ले किसने लिखा है? शेक्सपियर ने लिखा है. इसका मतलब शेक्सपियर की ऑनरशिप किस, शेक्सपियर की ऑनरशिप है इस पे, किस पे है? इस प्ले पर. यानी ये प्ले किसका हो गया? शेक्सपियर का. यानी शेक्सपियर का इसके ऊपर पोजेशन हो गया, अधिकार हो गया. सो दैट इज वाई हमने इसका क्या बना दिया? पोजेसिव केस. कैसे बनाया? अपोस्ट्रॉफी लगाया और एस. आई थिंक इतना आप सबको पता होगा, ये अपोस्ट्रॉफी एस होता है. क्लियर? हाँ जी, समझ आया. अब हम पढ़ेंगे, इतना सबको क्लियर हो गया, पोजेसिव केस क्या होता है. पोजेशन होता है अधिकार, अधिकार मतलब किसी भी चीज के ऊपर आपका हक होना, उसको बोला जाता है पोजेशन. उसको क्या बोला जाता है? पोजेशन. पोजेशन हम दो तरीकों से हम लोग दिखाते हैं. क्लियर? कैसे शो केस करते हैं? या तो अपोस्ट्रॉफी एस लगा के या ऑफ लगा के. क्लियर? अब हम पढ़ेंगे सम कॉमन यूजेज ऑफ पोजेशन, कि हम इस अपोस्ट्रॉफी एस का कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं. हम इस अपोस्ट्रॉफी एस का कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं. क्लियर? जैसे सबसे पहले, वी नेवर यूज अपोस्ट्रॉफी एस विद द नॉन लिविंग थिंग्स. हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी भी अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं. ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए, क्या कहा मैंने? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाया जाता. लगाया जाता है, लेकिन वो कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, और वो स्पेशल कंडीशंस अब हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे. लेकिन यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो है अपोस्ट्रॉफी एस यूज नहीं किया जाता है. क्लियर? इसी से रिलेटेड जो है, मैं आपको एक बहुत फेमस एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत बार पेपर में आया हुआ है. क्या? अ टेबल्स, ध्यान से पढ़िए और मेरे को बताइएगा कौन से पार्ट में एरर है. अ टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन बाय माय एंग्री ब्रदर. क्लियर? और या फिर नो एरर, ये आया हुआ है पेपर में. आई डोंट नो कौन से पेपर में आया हुआ है, बट ये किसी पेपर में आया हुआ है. अ टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन बाय माई एंग्री ब्रदर. ये नो एरर. ये आपका पार्ट वन है, ये आपका पार्ट टू है, दिस इज पार्ट थ्री एंड दिस इज पार्ट फोर. नाउ यू टेल मी कौन से पार्ट में एरर है, बताइए. यस, एरर है हमारे फर्स्ट पार्ट में. कैसे एरर है? ये वही रूल है जो अभी मैंने आपको बताया. क्या इसका मतलब है? कह रहा है कि जो टेबल की लेग्स हैं वो किसके द्वारा टूट गई? मेरे एंग्री ब्रदर ने उसको तोड़ दी. क्लियर? अब ये बताइए मुझे, ये जो टेबल है, ये टेबल लिविंग है या नॉन लिविंग है? यू ओनली टेल मी, ये जो टेबल है दिस इज लिविंग और नॉन लिविंग, बताइए. ये टेबल हमारी क्या है? नॉन लिविंग. तो अब नॉन लिविंग है, तो अभी मैंने आपको बताया क्या कि जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ वी नेवर यूज अपोस्ट्रॉफी एस. हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी भी अपोस्ट्रॉफी एस यूज नहीं करते हैं. वी डोंट यूज अपोस्ट्रॉफी एस विद नॉन लिविंग थिंग्स. क्लियर? तब क्या बनेगा इसका, बताइए. द लेग्स ऑफ टेबल, क्या बन जाएगा? द लेग्स ऑफ टेबल. यानी अगर हमें इसका पोजिशन बनाना है तो हमने क्या यूज कर दिया? ऑफ. यानी अपोस्ट्रॉफी एस यूज नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर हो गया कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी भी अपोस्ट्रॉफी एस यूज नहीं करते हैं. क्लियर? अब हम आगे चलते हैं. यस, जो भी हमारे जितने भी हमारे वर्ड्स हैं या नाउन हैं, अगर वो जो है
प्लूरल हैं लेकिन उनका जो एंड है वो एस से नहीं हो रहा है. क्या मैं कह रही हूँ, नाउन है, प्लूरल नाउन है, ठीक है. अगर उनका जो एंड है एस से नहीं हो रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, अपोस्ट्रॉफी एस. क्या यूज़ करेंगे, अपोस्ट्रॉफी एस. जैसे एग्जांपल देती हूँ, चिल्ड्रन, आप बताइए मुझे विच इज़ करेक्ट, चिल्ड्रंस बुक्स, ये करेक्ट है या फिर ये करेक्ट है, चिल्ड्रंस बुक्स, बताइए कौन सा करेक्ट है. यस दिस इज़ करेक्ट, ये हमारा करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है. क्यों, देखिए क्या इसके एंड में एस आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसीलिए हमने क्या किया, अपोस्ट्रॉफी भी लगाया और एस भी लगाया. क्लियर, समझ आया है ये, ठीक है. और अगर हम खाली अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे और एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग. अब यहीं से एक रूल और निकल के आता है, क्या आपके क्वेश्चन आया होगा माइंड में कि मैम आपने बोला कि इनके एंड में एस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब उन वर्ड्स का, उन नाउन का क्या जिनके एंड में एस आता है. बिल्कुल, यस, द नाउन विच आर एंडिंग एट एस, जिनके एंड में क्या है, एस है, वहाँ पे हम कभी भी अपोस्ट्रॉफी के बाद एस दोबारा नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो बार बार सी सी की साउंड आती है, तो वो दैट लुक्स वेरी ऑकवर्ड. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाकर छोड़ देते हैं. क्लियर, दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्या बोला कि नाउन जिनके नाउन, जिन नाउन्स के एंड में एस है, जिन नाउन के एंड में हमारा क्या है, एस है, उन नाउन के बाद हम क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, लेकिन अपोस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं लगाएंगे. इज दैट क्लियर, कैसे, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, बॉयज, बहुत सारे बॉयज हैं, बॉयज सिंगुलर है और बॉयज प्लूरल है, मान लीजिए मैंने बहुत सारे बॉयज ले लिए, बॉयज, अब बताइए ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, विच वन इज करेक्ट, बॉयज हॉस्टल, विच वन इज करेक्ट, आप मुझे बताइए, बॉयज हॉस्टल, कौन सा, ये करेक्ट है. कैसे, देखिए अभी मैंने आपको बताया ऐसी नाउन जिनका एंड किससे हो रहा है, एस से हो रहा है, तो ऐसी नाउन जिनका एंड किससे हो रहा है, एस से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे लेकिन दोबारा से एस नहीं लगाएंगे. बोला ना मैंने अभी आपको, अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे लेकिन दोबारा से एस नहीं लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग एंड दिस वन इज करेक्ट. इज दैट क्लियर, इतना क्लियर है सभी को, ठीक है. अब आगे करते हैं, यस, कल मैंने आपको एक रूल और बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कुछ नाउन हमारी ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में हिसिंग साउंड आती हैं, हिसिंग साउंड लाइक इस टाइप की साउंड्स आती हैं, यानी उनके एंड में एस होगा, डबल एस होगा, एस एच हो सकता है, क्लियर, इस टाइप की साउंड्स आती हैं. तो जब ये हिसिंग साउंड वर्ड्स होते हैं इनको बोला जाता है हिसिंग साउंड, क्या बोला जाता है, हिसिंग साउंड. तो इस टाइप के कोई भी वर्ड्स जिनके एंड में हिसिंग साउंड आ रही है, ऐसे कोई भी वर्ड्स जिनके एंड में हिसिंग साउंड है, तो वहाँ भी हम सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, अपोस्ट्रॉफी के बाद दोबारा से एस नहीं यूज़ करेंगे. क्लियर, एग्जांपल भी था मैंने आपको दिया था, जैसे फॉर जीजस सेक, अब देखिए जीजस हिसिंग साउंड, क्लियर, बताइए मैंने दोबारा से क्या अपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगाया, नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, अभी आपको बोला जब भी हिसिंग साउंड होगी तो हम क्या लगाएंगे, खाली अपोस्ट्रॉफी, एस नहीं लगाएंगे. क्लियर, और ले लीजिए, जैसे गणेश, गणेश बुक, अब बताइए गणेश शु, हिसिंग साउंड क्रिएट हो रही है, तो आप बताइए मुझे क्या मैं इसके बाद दोबारा से अपोस्ट्रॉफी लगाऊंगी, आई मीन अपोस्ट्रॉफी तो लगाऊंगी बट क्या एस लगाऊंगी, नहीं मैं एस यूज नहीं करूंगी, तो ये क्या बन गया, गणेश बुक. इज दैट क्लियर, यस. अब हम आगे चलते हैं, क्या जब भी हम, नेक्स्ट हमारा क्या रूल है, नेक्स्ट रूल ये बोलता है कि जब भी नॉन लिविंग थिंग्स का पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स का क्या कर दिया जाता है, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग मान लेना, नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे प्रेजेंट करना, लिविंग थिंग्स की तरह प्रेजेंट करना, उसको बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, टू प्रेजेंट
to present non-living things as living things. यानी जब हम non-living things को living things की तरह मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? apostrophe s लगाते हैं. Clear? क्या बोला मैंने आपको? जब भी हम non-living things को personified कर लेते हैं, उनको living things मान लेते हैं, तब हम apostrophe s का use करते हैं. Clear? कैसे use करते हैं? Example देते हैं, उससे आपको बहुत समझ में आएगा. जैसे example दिया मैंने आपको, Fortune's favorite. ये मैंने आपको example दिया. Fortune. पहले तो आप मुझे ये बताइए, fortune मतलब भाग्य, ठीक है? आप मुझे बताओ कि fortune जो है living है या non-living है? Non-living है. Clear? अब मैंने आपको क्या बोला? Fortune's favorite. इसका मतलब क्या हुआ? कि भाग्य का कोई favorite बंदा है, कोई favorite person है. कैसे? एक example देती हूँ, उसे और अच्छे से clear होगा. मान लो there is some one person, कोई person है. Clear? उसको one to one by one, उसने जितने भी exams दिए, उसके सारे exams clear हो गए. मतलब one by one, उसको सारी जो है jobs मिलती गई. तो कहते नहीं, अरे वाह यार, you are the one of the fortune's favorite. आप तो किस fortune's favorite में से एक हो. कहते हैं ना, तो fortune's favorite क्या हुआ? क्या यहाँ पे fortune कोई living है जिसने आके ये कहा है कि तुम मेरे favorite हो? नहीं. हमने फिर भी क्या किया है, इस fortune को क्या मान लिया है? living मान लिया है. living मानने का मतलब क्या है? उसको हमने personified कर दिया है. clear? तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया? apostrophe s. क्या लगा दिया? apostrophe s. clear? इसी तरह से हम और example देते हैं. nature's लव. आप बताइए मुझे, नेचर का कोई प्यार होता है? कोई है ऐसा पर्सन जिसे नेचर लव करता है? नहीं. बट स्टिल फिर भी हमने इसका क्या किया? पर्सोनिफाइड कर दिया. दैट इज कॉल्ड नेचर्स लव. इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं. ये आए हुए हैं पेपर में, ध्यान रखना. इसीलिए आपको ये करा रही हूँ, सिर्फ वही करा रही हूँ जो पेपर में आए हुए हैं. यहाँ पे आपको वही के वही एग्जांपल्स दिए जाते हैं जो पेपर में आए हुए होते हैं. सो प्लीज़ क्लास को कंटिन्यू रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ अदर स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो सके. क्लियर? और अगर आपको समझ में आता है तो मैं ये नहीं कह रही अभी के अभी आप हैशटैग वी गॉट इट लिखिए, बट हाँ, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप जरूर लिखिए हैशटैग वी गॉट इट. क्लियर? सो दैट कि मुझे भी हो कि मुझे आपको कुछ और नया एक्स्ट्रा देना है. क्लियर? हाँ जी. नेचर्स लव, मैंने क्या कहा था? डेथ्स आईसी हैंड. भाई इसका क्या मतलब है कि जो डेथ होती है वो क्या करती है? पीछा करती रहती है. बताइए क्या डेथ कोई पर्सन है जो पीछा करती रहती है आपका? बट स्टिल कहा जाता है डेथ्स आईसी हैंड. तो समझ आया आप सभी को क्या? एक बार मेरे साथ आप रिपीट कीजिए. क्या जब भी हम नॉन लिविंग थिंग्स को जो है लिविंग मान लेते हैं, यानी उनका पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं, तो हम उनके साथ अपोस्ट्रॉफी एस यूज कर लेते हैं. क्लियर? अब आता है वेट बताने वाले शब्द, जो वेट शो करते हैं. वेट शो करने वाले जो शब्द होते हैं, नाउन्स होती हैं, उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रॉफी एस. क्या यूज करते हैं? अपोस्ट्रॉफी एस. क्या यूज करते हैं? अपोस्ट्रॉफी एस. वेट शोइंग वर्ड्स नाउन हमारी कौन कौन सी होती है बताइए? टन, ठीक है, किलो, पाउंड. क्लियर? अब जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे कोई भी एग्जांपल लीजिए, अ टन्स वेट. कोई भी एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे अ टन्स वेट. बताइए, पहले तो आप मुझे ये बताइए, टन जो होता है वेट करता है ना, मतलब वो यूनिट है ना जिसे वेट शो वेट हम लोग मेजर कर सकते हैं, वही यूनिट है. तो बताइए क्या मैंने इसके साथ अपोस्ट्रॉफी एस लगाया? करेक्ट किया ना? बिल्कुल करेक्ट किया. क्यों? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया क्या कि जो भी वेट शोइंग नाउन्स होती हैं, जो वेट को शो करती हैं या जिनसे वेट मेजर होता है, ऐसी नाउन्स के लिए ऐसी यूनिट्स ठीक है, और वो यूनिट ऑटोमेटिकली हैं क्या? वो यूनिट्स ऑटोमेटिकली नाउन ही तो हैं. क्लियर? तो ऐसी नाउन या ऐसी यूनिट्स के साथ हम क्या यूज करते हैं? अपोस्ट्रॉफी एस. क्लियर? इसी तरह से और एक एग्जांपल ले लीजिए, अ ग्राम्स वेट. क्या ले लीजिए?
अ ग्राम्स वेट. अब ये ग्राम भी क्या है, वेट के लिए होता है, ग्राम किलोग्राम. क्लियर? तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अपोस्ट्रॉफी एस. इज दैट क्लियर? इसी से, इसी के अलावा जो है, अब हम कुछ आगे पढ़ेंगे. कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो टाइम ड्यूरेशन को शो करती हैं. क्लियर? जैसे वीक, जैसे मंथ, जैसे ईयर, जैसे मोमेंट. क्या? जो टाइम को शो करती हैं, टाइम या टाइम ड्यूरेशन कह सकते हो, हाँ, इसको शो करती हैं. ऐसे नाउन के साथ भी क्या यूज़ किया जाता है, अपोस्ट्रॉफी एस. क्या यूज़ किया जाता है, अपोस्ट्रॉफी एस. कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, अ वीक्स लीव. अ वीक्स लीव कि वन वीक का लीव. अब ये जो वीक वर्ड है, ये ऑटोमेटिकली किसको शो कर रहा है, टाइम को. अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ बताती हूँ. जैसे मैंने आपको वो स्टेशनरी और स्टेशनरी बताया था ना, एक होता है ERY और एक होता है ARY. जो ERY होता है वो क्या होता है, पेन और पेंसिल के लिए होता है. और मैंने आपको बताया था कि मैंने उसको कैसे रिकॉल किया था, कि पेन में भी क्या आता है, ई आता है, और स्टेशनरी में जो ई वाला है वो पेन और पेंसिल के लिए है. क्लियर? और जो जिन स्टेशनरी वर्ड में ए आता है वो क्या होता है, विच इज फिक्स्ड, जो फिक्स है, जो मूव नहीं कर रहा है. क्लियर? इसी तरह से एक वीक होता है और एक ये वीक होता है. ऑल्दो ये बहुत कॉमन है, बट स्टिल बता देती हूँ कि मैंने इसको कैसे लर्न कर रखा है. जैसे अपने टाइम में तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि डबल ई और ई ए के, मतलब जब मेरा स्टूडेंट टाइम था, जब मैं पढ़ा करती थी, तो मैंने इसको कैसे याद किया था, जो मेरे को आज भी याद है. कैसे याद किया था, कि जिसमें डबल ई आता है, जिसमें डबल ई है, यानी वो तो डबल है, क्या वो कमज़ोर हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, नहीं ना. तो इसका मतलब जो डबल ई वाला है वो तो वीक किसके लिए है, हमारे सप्ताह के लिए. क्लियर? हमारे किसके लिए, सप्ताह के लिए. और जो ई ए सिंगल ई वाला है वो कमज़ोर हो सकता है, यानी इस वीक का मतलब क्या है, कमज़ोर. समझ आई ये बात? हो सकता है आपको कभी अपने बच्चों को या अपने किसी भी, कभी आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसको बताना हो, तो इस टाइप की छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती हैं वो माइंड में अगर एक बार फिक्स हो जाएं तो लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, वो कभी भी आप उसको नहीं भूलते हो. क्लियर? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हुई, बट डजेंट मैटर, ये बातें बताना भी आपके लिए ज़रूरी है. क्लियर? हाँ जी. तो यहाँ पे आया अ वीक्स लीव, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ मोमेंट्स, अ मोमेंट्स डिले. अब मूवमेंट तो ऑटोमेटिकली आपको ही पता है, मूवमेंट का मतलब क्या होता है, एक मूवमेंट, एक क्षण. क्षण मीन्स टाइम. ठीक है? तो ये किसको शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है. तो टाइम शोइंग जो वर्ड्स होते हैं, यानी जो टाइम शोइंग नाउन होती हैं, उन नाउन्स के साथ भी अपोस्ट्रॉफी एस यूज किया जाता है. क्लियर? वेट वाला पढ़ा हमने, टाइम वाला पढ़ा. अब कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो शो करती हैं स्पेस. क्या शो करती हैं, स्पेस, स्पेस शोइंग नाउन्स, जो क्या शो करती हैं, स्पेस. क्लियर? तो ऐसी नाउन के साथ भी हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस. क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस. मैं पूरा अपोस्ट्रॉफी नहीं लिख रही, सीधा कॉमा लगा के एंड एस लगा रही हूँ. क्लियर? अपोस्ट्रॉफी लगा के एंड एस लगा रही हूँ. इज दैट क्लियर? जैसे अब कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, स्पेस शोइंग वर्ड्स कौन कौन से हो गए, जैसे अ नीडल्स पॉइंट, अ नीडल्स पॉइंट. अब ये स्पेस कैसे शो कर रहा है, आप बताइए मुझे. ये जो पॉइंट वर्ड है, ये किसी ना किसी एरिया में होगा, किसी ना किसी, और एरिया कहाँ होता है, किसी भी स्पेस का एरिया होगा. ठीक है? तो ये जो पॉइंट वर्ड है, ये स्पेस को शो कर रहा है. तो इससे आने वाली जो पहले नाउन होगी, उस नाउन के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रॉफी एस. एक और एग्जांपल ले लो, अ बोट्स लेंथ, अ बोट्स लेंथ, बोट की लेंथ. मतलब स्पेस डजंट मीन्स कि हाँ, स्पेस, स्पेस मीन्स वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ठीक है? बोट की लेंथ. अब वो बोट की लेंथ है, उस बोट को हम जितना रखेंगे, जितनी वो लेंथ लेगी, जितनी उसकी लेंथ होगी, उतना ही तो वो स्पेस लेगी ना. सो इसीलिए इसके साथ भी, इस वर्ड से पहले जो नाउन आई उसके साथ हमने क्या लगा दिया, अपोस्ट्रॉफी एस. जैसे और एक एग्जाम्पल ले लो, अ स्टोन्स थ्रो, आया हुआ है ये पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ स्टोन्स थ्रो. क्लियर? स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या हुआ,
कि स्टोन को हमने अ स्टोन थ्रो, स्टोन के फेंकने जितना डिस्टेंस को शो कर रहा है, स्पेस को शो कर रहा है. सो इसीलिए इसके पहले जो भी नाउन आई है उस नाउन के साथ हमने क्या लगा दिया, अपोस्ट्रॉफी एस. क्या लगा दिया, अपोस्ट्रॉफी एस. इज दैट क्लियर. तो आपको पता चला क्या, जो भी स्पेस शो करती हैं, जो भी वर्ड स्पेस शो करते हैं उनसे पहले जो भी नाउन होगी उस नाउन के साथ जो है हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रॉफी एस. क्लियर. अब कुछ नाउन हमने स्पेस वाला पढ़ा, टाइम वाला पढ़ा, वेट वाला पढ़ा. क्लियर. अब हम आगे देखते हैं. अच्छा, कुछ ना हमारी मनी की यूनिट्स होती हैं. कौन कौन सी यूनिट होती हैं, जैसे अपने इंडिया में तो क्या है, रुपीज़, पैसा, ठीक है, पाउंड. इंडिया में नहीं है बट है तो ये भी यूनिट ना, ठीक है, यूरो. क्लियर. तो जितनी भी ये यूनिट्स होती हैं, इन यूनिट्स के साथ अगर आपका वर्ड आ जाए वर्थ या वैल्यू, यानी आपको मनी की कोई भी यूनिट दे रखी हो और उस यूनिट के साथ आपको वर्ड दे रखा हो वर्थ या वैल्यू, तो उस वर्ड के साथ, ठीक है, तो उस मनी की यूनिट्स के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रॉफी एस. क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रॉफी एस, उस मनी वाली यूनिट के साथ. जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, अ रुपीज वर्थ. क्लियर. अब आपको पता है ये रुपी जो है ये मनी को शो करती है, मतलब मनी यूनिट है, मनी के लिए एक यूनिट है. इसके आगे कौन सा वर्ड आ गया, वर्थ. और मैंने आपको कौन से दो वर्ड बोले हैं, वर्थ हो या वैल्यू हो, तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया, अपोस्ट्रॉफी एस. क्लियर. इसी तरह से कोई और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, अ पाउंड्स वर्थ. ठीक है, समझ में आया, यस. अब हम आगे बढ़ते हैं. कुछ हमारे डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं. क्या होते हैं, डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स. नेचुरल ऑब्जेक्ट्स कौन से, सन, मून, इनके साथ भी हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस. क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस. जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है, द सन्स रेज, द सन्स रेज. ये हमारा क्या है, नेचुरल ऑब्जेक्ट और डिग्निफाइड, मतलब इनकी वैल्यू है, यूनिवर्सल है ये, बहुत ज़्यादा इनकी वैल्यू है, वर्थ है. क्लियर. तो हमने क्या लगाया इनके साथ, अपोस्ट्रॉफी एस. इसी तरह से एग्जांपल ले लो, द अर्थ्स सरफेस. इज दैट क्लियर, समझ आया सभी को. तो ऐसे सन है मून है, अर्थ है, हेवन हो गया आपका, माइंड हो गया, हर्ट हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट, नेचुरल हैं, डिग्निफाइड हैं, तो इनके साथ हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे. क्लियर, यस, ओके. कुछ सिचुएशंस ना हमारी ऐसी होती हैं जिनमें ना हमारा जो एक्सप्रेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन उस सिचुएशन में हमें अपने एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ता है, छोटा बनाना पड़ता है. व्हाट आई एम टेलिंग यू, कुछ एक्सप्रेशंस जो होती हैं हमारी बहुत लंबी होती हैं, कुछ एक्सप्रेशन जो होता है वो बहुत लंबा होता है, लेकिन हमें उसे क्या करना पड़ता है, शॉर्ट बनाना पड़ता है. तो उस टाइम पर भी हम क्या करते हैं, उस टाइम पर भी हम अपोस्ट्रॉफी इस यूज़ करते हैं. सपोज करो, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, ट्रेन आने वाली है, ठीक है, मतलब ट्रेन के अराइवल का टाइम हो गया है, तो एक्सप्रेशन क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, द ट्रेन्स अराइवल. क्या यूज़ करेंगे, द ट्रेन्स अराइवल. क्लियर. इसी तरह से कोई और एग्जांपल ले लो, द शिप्स डिपार्चर, द शिप्स डिपार्चर. क्लियर. सो इस तरह की भी जो हमारी स्पेशल, जो हमारी इस तरह की सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन भी हमें, हम क्या करते हैं, हम इनके साथ अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं. इज दैट क्लियर, समझ हो, आ गया यहाँ तक सभी को, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यस. अब हमारी कुछ और स्पेशल बातें, क्या कुछ नाउन ना ऐसी होती हैं जो जॉइंट पोजेशन शो करती हैं. क्या शो करती हैं, जॉइंट पोजेशन. क्या शो करती हैं, जॉइंट पोजीशन. जॉइंट पोजीशन का मतलब क्या है, जॉइंट पोजीशन का मतलब ये है कि हमारा, मतलब वो जो दोनों नाउन है उनका उस पर्टिकुलर चीज़ पे दोनों का बराबर का हक है. क्लियर, वो उन्हीं की है. तो अगर वो जॉइंट पोजीशन शो कर रही हैं, ठीक है, दोनों का इक्वल हक है, तो हम दोनों के साथ अलग अलग अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं करेंगे. कैसे, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, राम एंड श्याम आर ब्रदर, राम एंड श्याम आर ब्रदर. क्लियर. एंड राम्स एंड
Ram's and Shyam's father is a farmer. देखिए क्या मतलब हुआ इसका. कह रहा है कि जो राम और श्याम है वो ब्रदर हैं, और राम और श्याम के जो फादर है ना वो क्या है, फार्मर है. अब आप एक बात बताइए, राम एंड श्याम दोनों क्या हैं, ब्रदर हैं. इट मीन्स दोनों के ब्रदर हैं, दोनों ब्रदर हैं, तो दोनों के जो फादर हैं वो एक ही हैं, दोनों का बराबर का हक है, जॉइंट पोजिशन हो गया. क्लियर. अब आप मुझे बताइए, मैंने यहाँ पे क्या शो किया, राम्स एंड श्याम्स फादर इज अ फार्मर, कि राम और श्याम के जो फादर हैं वो क्या है, फार्मर है. मैंने क्या किया, राम के साथ भी अलग नाउन अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया और श्याम के साथ भी अलग अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया. आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, क्योंकि ये जॉइंट पोजेशन है, तो जॉइंट पोजेशन का मतलब क्या है कि हम सिर्फ क्या करेंगे, एक के साथ ही अपोस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे, और वो भी किसके साथ यूज करेंगे, जो बाद वाली नाउन है उसके साथ. तो राम एंड श्याम आर ब्रदर, ये तो ठीक है, एंड राम्स एंड श्याम्स फादर इज अ फार्मर, नहीं, क्या आ जाएगा, राम एंड श्याम्स फादर इज अ फार्मर, राम और श्याम के फादर जो है वो क्या है, फार्मर है. इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया सभी को? आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. क्या कह रही हूँ मैं आपको, कोई भी नाउन अगर आपकी ऐसी है जो दो नाउन आ रही हैं और दोनों नाउन हैं वो जॉइंट पोजेशन शो कर रही हैं, तो जॉइंट पोजेशन अगर वो शो कर रही हैं तो हम जो हैं दोनों नाउन्स के साथ अलग अलग अपोस्ट्रॉफी एस यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, जो बाद वाली नाउन होगी उसके साथ अपोस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे. क्लियर? अब देखो, मैंने यहाँ पे बात करी है, अगला जो रूल है ना यहीं से निकल कर आता है. क्या मैंने बात की मैम जॉइंट पोजेशन की? ठीक है मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ठीक है, जॉइंट पोजेशन का मतलब ये तो यही हुआ ना कि दोनों का इक्वल है, इक्वल अधिकार है, इक्वल ऑनरशिप है, तो ऑब्वियसली हम दोनों के साथ अलग अलग नहीं लगाएंगे, हम लास्ट वाली नाउन के साथ लगा देंगे. बिल्कुल, अगर दोनों का सेपरेट पोजेशन हो, मतलब दोनों का अधिकार अलग अलग हो, ऑब्वियस ही बात है अगर दोनों का पोजेशन सेपरेट है, तो सेपरेट का मतलब ये है कि हम दोनों के साथ ही अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग अपोस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे. क्या अगर मैं बात करूं किसकी, सेपरेट पोजेशन की, किसकी बात करूं, सेपरेट पोजेशन की, ठीक है, सेपरेट, सेपरेट मीन्स अलग, दोनों का जो पोजेशन है वो क्या है, अलग अलग है, मतलब दोनों का अधिकार जो है वो अलग अलग है. तो अगर कोई ऐसी नाउन है दोनों का पोजेशन अलग अलग है, तो हम दोनों के साथ अलग अलग क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे. जैसे राम्स एंड श्याम्स, राम एंड श्याम्स सन्स, इसका मतलब क्या हुआ, राम और श्याम के बेटे, यानी राम के बेटे अलग और श्याम के बेटे अलग. इज दैट क्लियर? समझ में आया सभी को? क्या बात बोली, अगर दो नाउन जैसी हैं, आपको क्या मुद्दा समझना है कि अगर दो नाउन जैसी हैं जो जॉइंट पोजेशन शो कर रही हैं, तो बाद वाली नाउन के साथ आप क्या लगाओगे, अपोस्ट्रॉफी एस. लेकिन अगर वो सेपरेट, सेपरेट यानी अलग अलग उनका पोजीशन है, दोनों की बातें अलग अलग है, दोनों का अधिकार अलग अलग है, तो आप क्या लगाओगे, दोनों के साथ ही अलग अलग आप इन अपना अपोस्ट्रॉफी एस यूज करोगे. क्लियर? यस. इसके बाद हमारा एक लास्ट पॉइंट बचता है, नाउन इन अपोजिशन, नाउन्स इन अपोजिशन, नाउन्स, ध्यान से समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और आता भी है, नाउन्स इन अपोजिशन. एक तो पहली बात, क्या ये अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन है. अब अपोजिशन क्या होता है, पहले तो आपको ये मतलब ही समझना पड़ेगा कि मैम ये नाउन्स इन अपोजिशन का मतलब क्या है. ध्यान से सुनिए, अपोजिशन का मतलब क्या है, मैं आपको ना बहुत सिंपल बात बताती हूँ कि मान लीजिए एक सेंटेंस में दो नाउन हैं, दोनों जो नाउन हैं, दोनों नाउन जो हैं एक सिंगल पर्सन को ही रेफर कर रही हैं, एक सिंगल पर्सन के बारे में, एक ही पर्सन के बारे में ही डिस्क्राइब कर रही हैं, तो उन्हें बोला जाएगा नाउन्स इन अपोजिशन. कैसे, जैसे एग्जांपल देती हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, इसी एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यस, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट
President of India died in 1964. ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाइड इन 1964. देखिए यहाँ पे ये हमारे पास दो नाउन हैं, द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्लियर, ये दो नाउन्स हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाउन वन और ये हमारी नाउन टू द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये जो दोनों नाउन हैं, ये दोनों नाउन जो हैं ऑटोमेटिकली एक ही पर्सन के बारे में बता रही है ना कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन थे द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ये जो नाउन टू है, ये नाउन टू किसके बारे में डिस्क्राइब कर रही है? नाउन वन के बारे में ही बात कर रही हूँ ना. अगर मैं आपसे सीधा एक क्वेश्चन पूछूँ, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपके माइंड में झट से क्या क्लिक करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. क्लियर, तो यानी ये जो नाउन टू है नाउन वन को डिस्क्राइब कर रही है. दोनों नाउन एक ही पर्सन के लिए है, कौन से पर्सन के लिए है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. तो इन दोनों को क्या बोला जाएगा? नाउन्स इन अपोजिशन. क्लियर, पहली बात ये हेडिंग समझ आई. नाउन्स इन अपोजिशन का मतलब क्या है? नाउन्स इन अपोजिशन मीनिंग कि जब दोनों जो नाउन्स होती हैं एक सेम एक सिंगल पर्सन को ही इंडिकेट करती हैं या उसी के बारे में ही डिस्क्राइब करती हैं. क्लियर, अब अगर कभी भी आपको नाउन्स इन अपोजिशन नज़र आए, क्या जब भी आपको नाउन्स इन अपोजिशन नज़र आए, यानी कोई दो नाउन्स ऐसी नज़र आए जो एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रही हो, तो आप हमेशा जो बात वाली नाउन होगी उसके साथ अपोस्ट्रॉफी एस लगाओगे. क्या, दोबारा से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जब भी नाउन्स इन अपोजिशन वाला केस होगा आप हमेशा क्या करोगे? आप हमेशा क्या करोगे? जो सेकेंड नाउन होगी, नाउन टू होगी, उसके साथ अपोस्ट्रॉफी एस यूज करोगे. जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, आई, ध्यान से सुनिए, एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ उससे और अच्छे से क्लियर होगा. आई वॉन्ट टू रीड, आई वॉन्ट टू रीड APJ अब्दुल कलाम द साइंटिस्ट ऑटोबायोग्राफी. क्लियर, यस, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है कि मैं जो है APJ अब्दुल कलाम, क्या द साइंटिस्ट की ऑटोबायोग्राफी रीड करना चाहता हूँ. पहले देखिए यहाँ पे नाउन्स इन अपोजिशन पहचानता है कौन कौन सी हैं. APJ अब्दुल कलाम, ये है हमारी नाउन वन, ये है हमारी नाउन वन. कौन सी नाउन वन है? APJ अब्दुल कलाम. और ये है नाउन टू, कौन सी नाउन टू है? द साइंटिस्ट. अब एक बात बताइए, ये जो नाउन टू है ये ऑटोमेटिकली किसके बारे में बता रही है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में डिस्क्राइब कर रही है ना. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका पोजेशन बनाना है. तो पोजेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सेकेंड नाउन, नाउन सेकेंड हमारी कौन सी है? ये द साइंटिस्ट. इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? अपोस्ट्रॉफी एस. क्या लगाना पड़ेगा? अपोस्ट्रॉफी एस. तो क्या बन जाएगा? द साइंटिस्ट ये बन जाएगा आपका. क्लियर, इतना क्लियर हो गया सभी को? यस, आई थिंक यहाँ तक हमारे जितने भी नाउन के रूल्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं. अब हमारा स्टार्ट होगा वोकैबुलरी सेक्शन. ठीक है, जो अब हमारे लास्ट के 5-10 मिनट्स बचे हुए हैं उसमें हम स्टार्ट करते हैं अपना वोकैबुलरी सेशन. वोकैबुलरी सेशन जो है दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. प्लस इसके साथ साथ आप जो हैं, क्लियर, इसके साथ साथ जो मैं आपको 5 या 10 वर्ड जितने भी कराऊंगी, आई जस्ट वॉन्ट, मैं ये चाहती हूँ कि आप क्या कीजिए, इन वर्ड्स को मैक्सिमम यूज़ कीजिए. ठीक है, नेमोनिक्स के थ्रू हम लोग जो हैं इसको पढ़ेंगे. किसको? हमारे वोकैबुलरी सेशन को. और प्लीज़ अगर आपको नाउन का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप लास्ट में #WeGotIt ज़रूर लिखिए. एंड साथ ही साथ आप और क्या कीजिए, #WeGotIt तो लिखिए, मैक्सिमम इसको लाइक कीजिए, मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देखें और उनको भी प्रॉफिट हो. क्लियर, तो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है वोकैब सेशन. क्लियर, कौन सा सेशन स्टार्ट हो रहा है? वोकैब सेशन. क्लियर, सबसे पहला है हमारा सेगेशियस. ध्यान से सुनिए,
चाहे हम डेली के 5 words ही क्यों ना करें, लेकिन वो इतने तरीके से कर लें। और आपको एक चीज़ जोर बताती हूँ, ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स मैं आपको ना इस तरीके से बताऊँगी, एक तो ये आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे एक या दो बार रिकॉल करने पे ही। दूसरी बात, आप मुझसे ये प्रॉमिस ज़रूर कीजिए कि आप इन वर्ड्स का ना अपनी डेली लाइफ में यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक या दो बार इन वर्ड्स को यूज़ कर लिया ना, लॉन्ग लास्टिंग आपके माइंड में रहेंगे, बिल्कुल एयर टाइट बॉक्स की तरह फिक्स हो जाएंगे। और अगर ये फिक्स हो गए, आपकी टिप ऑफ द टंग हो गए, तो समझ लीजिए वोकैबुलरी आपके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। इज दैट क्लियर? यस। सेगेशियस, पहले तो आप मीनिंग देखिए, सेगेशियस का मतलब क्या होता है? सेगेशियस होता है इंटेलिजेंट। सेगेशियस क्या होता है? इंटेलिजेंट या एक्यूट माइंडेड। क्या होता है? एक्यूट माइंडेड, जो शार्प माइंडेड होते हैं ना, उनको बोला जाता है सेगेशियस। क्लियर? अब मैंने इससे वर्ड निकाल दिया सेगेशियस से, साग। कौन सा वर्ड निकाल दिया? साग। कीवर्ड्स दे रही हूँ मैं आपको, ये कीवर्ड्स आप अच्छे से ध्यान से कीजिए। क्या? सेगेशियस से मैंने क्या वर्ड निकाल दिया? साग। ठीक है, अब ये जो साग वर्ड है, यस, ये जो सेगेशियस जो वर्ड है, ये जो सेगेशियस है, यहाँ से हमने क्या वर्ड निकाल दिया? साग। अब क्या दिमाग में रखिए कि साग खाने वाले जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे याद कीजिए, सेगेशियस, सेगेशियस साग को ईट करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? इंटेलिजेंट होते हैं। साग को खाने वाले जो पर्सन होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं। अब इसी को दोबारा बोलिए, साग को खाने वाले जो वर्ड जो पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं? सेगेशियस होते हैं। कैसे होते हैं? सेगेशियस होते हैं, एक्यूट माइंडेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। क्लियर? अब कहीं भी आपका कोई फ्रेंड है वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो आप उसको यूं मत कहो, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, सीधा बोलो यू आर अ वेरी सेगेशियस पर्सन। एक बार तो वो भी सोचेगा सेगेशियस। आपको फर्क ये नहीं देखना कि सामने वाले बंदे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको लेकिन उन वर्ड्स को यूज़ करना है अपने प्रॉफिट के लिए। क्योंकि अगर आप उन वर्ड्स को यूज़ करोगे, अगर सामने वाले में क्यूरियोसिटी होगी ना, तो बेशक वो आपके सामने हाँ हाँ तो कर देगा, लेकिन एक बार घर जाके गूगल पे एक बार वो सर्च जरूर करेगा कि यार इसने वर्ड जो बोला था उसका मीनिंग क्या था। क्लियर? तो मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ, आप इन वर्ड्स को पढ़िए, चाहे हम लोग 5 करें चाहे 10 वर्ड्स करें, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए इन वर्ड्स को आपको यूज़ करना है। तो बस इतना प्रॉमिस मुझे ज़रूर कीजिए कि आप इन वर्ड्स को क्या करोगे? यूज़ करोगे अपनी डेली लाइफ में। क्लियर? फर्स्ट वर्ड समझ में आया? सेगेशियस। सेगेशियस मीन्स इंटेलिजेंट, एक्यूट माइंडेड। कीवर्ड मैंने आपके लिए क्या बना दिया? साग। कि साग खाने वाले पर्सन क्या होते हैं? सेगेशियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारा, यस, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सबैटिकल। सबैटिकल, यस, सबैटिकल होता है इंटरवल कह सकते हो आप, या जो आप ये कह सकते हो विश्रामकालीन, मतलब जो एक बीच में जो हमें गैप मिलता है ना, कोई भी काम करते समय, कोई भी काम करते टाइम जो भी हमें एक बीच में एक इंटरवल मिलता है, एक गैप मिलता है, उसको बोला जाता है सबैटिकल। क्या बोला जाता है? सबैटिकल। क्लियर? अब यहाँ से एक वर्ड देते हैं, क्या कीवर्ड लेते हैं? सब, उसको मान लेते हैं सब, बैटी मीन्स बातें, एंड कैल मीन्स कल, यानी सब बातें कल, सबैटिकल। सबैटिकल क्या कहता है? सबैटिकल कहता है क्या कि यार, अब जैसे आपके फ्रेंड का आपके पास कॉल आया, ठीक है, उसने कहा चल यार आज बातें करते हैं, तो कहो नहीं आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, हम जो है बातें कल करेंगे। क्यों कल करेंगे? क्योंकि कल जो है मेरा सबैटिकल है। सबैटिकल मतलब इंटरवल है, यानी मेरे पास अभी मैं बहुत बिजी हूँ, या बीच में मुझे इंटरवल का टाइम मिलेगा, सबैटिकल टाइम होगा, उस टाइम पर मैं तुझे कॉल करूंगा। क्लियर? ऐसे आप कह सकते हो सबैटिकल। सबैटिकल होता है इंटरवल, मतलब जब आप एक बहुत काम कर रहे हो, उस काम के बीच में जो आपको एक गैप दिया जाता है थोड़ा रेस्ट करने का, उसको बोला जाता है सबैटिकल। और कीवर्ड क्या है? सब बातें कल, सब बातें कल। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा मॉलीफाई। क्या आता है? मॉलीफाई। एंड इफ, अगेन आई एम सेइंग यू, अगर आपको ये पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक एंड मैक्सिमम शेयर इट। क्लियर? हाँ जी। और लास्ट में हैशटैग वी गॉट इट। हाँ जी, मॉलीफाई। मॉलीफाई होता है, पहले हम इसका मीनिंग समझते होते हैं। मॉलीफाई होता है टू किसी को काम करना, टू मेक काम, या फिर आप ये कह सकते हो टू रिड्यूस, कुछ कम करना। क्लियर? किसी को शांत करना, किसी को कम करना। क्लियर? उसको बोला जाता है
रिड्यूस, क्या बोला जाता है, मॉलिफाई. अब मॉलिफाई से कीवर्ड निकाल लो मूली, क्या वर्ड निकाल लो मूली. आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्लियर, बहुत ज़्यादा आपको भूख लगी थी, आपने क्या किया, अपनी मम्मा को कहा कि मम्मा मुझे कुछ खाने को दो, मम्मा ने आपको दे दी मूली, आपने खाई मूली, और मूली खा के आप हो गए मॉलिफाई. मॉलिफाई मतलब आपकी हंगर हो गई कम, आप हो गए शांत, तो दैट इज मॉलिफाई. मॉलिफाई मीन्स टू मेक काम या टू रिड्यूस, कम करना. क्लियर, समझ आया सभी को. मॉलिफाई पहला वर्ड क्या था, सेगेशियस. सेगेशियस मीन्स साग, साग का मीन्स यानी इंटेलिजेंट. सेगेशियस का मतलब कीवर्ड हमारा क्या है, साग, और उसका मतलब क्या है, इंटेलिजेंट या क्यूट माइंडेड. साग खाने वाले जो पर्सन होते हैं वो सेगेशियस होते हैं. क्लियर, फिर हमने किया सबैटिकल. सबैटिकल मीन्स इंटरवल टाइम होता है जो, ठीक है, सब बातें कल करेंगे बिकॉज कल मेरा सबैटिकल है. क्लियर, उसके बाद मॉलिफाई. यस, अब हम आगे बढ़ते हैं कमोशन. क्या बढ़ते हैं, कमोशन, को मोशन. यस, कमोशन. कमोशन होता है, पहले तो आपको कमोशन का मतलब पता होना चाहिए. कमोशन होता है अप्रोर. अप्रोर होता है विद्रोह, मतलब विद्रोह करना. क्लियर, ठीक है, कमोशन होता है विद्रोह, ठीक है, अप्रोर. अब कमोशन का कीवर्ड है कमीशन. कमोशन का कीवर्ड क्या है, कमीशन. क्या, ध्यान से सुनिए, आप किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, आपको क्या हुआ, आपकी कंपनी वालों ने जो है कोई कमीशन नहीं दिया, ठीक है, तो कमीशन ना मिलने पर आपने कर दिया कमोशन. क्या कर दिया, कमोशन. कमीशन ना मिलने पर आपने क्या कर दिया, कमोशन, यानी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, प्रोर कर दिया. समझ आया, कमोशन. यस, ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड. फिफ्थ वर्ड है हमारा एल ए. बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ईजिली याद हो जाता है ये एल ए. आप सोच रहे होंगे कि वाई मैम इज़ लाफिंग, इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे याद आ गया कि हम ये वर्ड कब ज़्यादा यूज़ करते हैं. अभी आपको भी बताती हूँ. एल ए का मतलब भी वही होता है, किसी को काम करना, टू काम, या किसी को पैसिफाई करना. क्लियर, ठीक है, किसी को पैसिफाई करना, किसी को काम करना, ठीक है. अब कैसे एल ए वर्ड कैसे यूज़ होता है, घर में बच्चा होता है, रोता है, माँ उसको क्या कहती है, अले अले चुप हो जाओ, अले अले चुप हो जाओ बोलती है ना, तो वो अले अले एक्चुअल में क्या है, वो अले अले का मतलब है टू काम, टू पैसिफाई. क्लियर, इसका मतलब ये सोचो कि आपकी मामा भी इनडायरेक्टली इंग्लिश ही बोल रही है, अले अले चुप हो जाओ. इज दैट क्लियर, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अले, अले मीन्स टू काम, ठीक है, बी काम, काम हो जाना, शांत हो जाना, उसे बोला जाता है अले, ठीक है. उसके बाद आता है हमारा नेटल. क्या आता है, नेटल. नेटल का मतलब होता है टू मेक समवन एंग्री, टू मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलवाना या इरिटेट करवाना, या टू इरिटेट, इरिटेट, ठीक है. क्या होता है नेटल, नेटल होता है टू मेक समवन एंग्री या टू इरिटेट. क्लियर, यस. अब नेटल को कैसे याद रखोगे, नेटल को याद करने का जो हमारा कीवर्ड है वो है नेट. क्या, के उसने मुझे नेट में फंसा दिया और मैं हो गई नेटल. क्या हो गई, नेटल. नेटल मीन्स मुझे गुस्सा आ गया या मुझे इरिटेशन क्रिएट हो गई, तो नेटल मीन्स टू इरिटेट या टू मेक समवन एंग्री, और वो है आपका नेटल. क्लियर, उसके बाद यस, हमारा वर्ड जो है वो है अफ्रंट. क्या है, अफ्रंट. कैसे, अफ्रंट, डबल एफ आर ओ एन टी. अफ्रंट होता है इंसल्ट. अफ्रंट क्या होता है, इंसल्ट, किसी की इंसल्ट कर देना. क्लियर, अब इसके लिए आपका कीवर्ड रहेगा फ्रंट. क्या, कि उसने, इसको बहुत, ये बहुत इजी है याद करने के लिए, उसने मेरी फ्रंट से ही क्या कर दी, अफ्रंट. क्या कर दी, अफ्रंट, उसने फ्रंट से ही मेरी अफ्रंट कर दी. अफ्रंट मीन्स इंसल्ट कर दी. क्लियर, और जो लास्ट हमारा वर्ड रहेगा वो रहेगा आज की क्लास के लिए बैनिसन. क्या रहेगा, बैनिसन. बहुत अच्छा है, ये भी मज़ेदार है. बैनिसन, बेनिसन का मतलब होता है ब्लेसिंग्स. बेनिसन मीनिंग ब्लेसिंग्स. क्लियर, अब ये कैसे होगा, बेनिसन के लिए निकालो बनिए का सन. बनिए का सन, बनिए का सन. कैसे, यस, बनिए की सन की हो गई शादी और बनिए के सन को मिल गई बेनिसन, यानी ब्लेसिंग. क्या, बनिए की सन की हो गई शादी और बनिए के सन को क्या मिल गई, बेनिसन. बनिए के सन को मिली बहुत सारी बेनिसन. बेनिसन मीन्स ब्लेसिंग्स.
क्लियर. तो यस क्लास, ये हमारा आज का सेशन था. हमने नाउन टॉपिक जो है पूरा कवर कर लिया है. ठीक है, अब कल बी रेडी, कल खुद भी रेडी रहना, अपने फ्रेंड्स को भी रेडी रखना. कल हम लेकर आएंगे, जैसे ही मैंने आपको प्रॉमिस किया था, क्या कि आपको जो है हर सेशन, हर टॉपिक के एंड में मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या वर्ड दिया था मैंने आपको, जैसे आपको मैथ्स की मैराथन मिलती है ऐसे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ब्रेकनेक ड्रिल. क्लियर, कल हम जितने भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन होंगे वो फिल्टर करके उसको यहाँ पे करेंगे, नाउन टॉपिक से रिलेटेड ही सिर्फ. क्लियर, हम यहाँ पर करेंगे. ठीक है, इसके अलावा जो भी अब आपको सिर्फ क्या करना है, जो मैंने आपको ये वर्ड्स कराए हैं, सिर्फ एक प्रॉमिस, आप इन वर्ड्स को अपनी लाइफ में जहाँ आपको लगता है हाँ अब ये यूज़ हो सकता है वर्ड, उसको यूज़ करो, क्योंकि जितना यूज़ करोगे माइंड में रह जाएंगे फिक्स. क्लियर, और एक काम और करना, जितना भी हमने अभी तक क्लास वन से लेकर आज की क्लास तक जितने भी हमने नाउन के टॉपिक्स किए हैं या रूल्स किए हैं, सब टॉपिक्स किए हैं, जितने भी रूल्स किए हैं, उन सबको आप रिवाइज कर लेना, सो दैट कि हम जब कल अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे किसके साथ, ब्रेकनेक ड्रिल के साथ, तो आपको माइंड में साथ साथ जो है वो रूल्स रिकॉल होते रहें. और अगर रूल्स रिकॉल हो रहे हैं, इट मीन्स आपको समझ में आ रहा है. और अगर समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है हैशटैग वी गॉट इट. प्लीज़ जितना ये ज़्यादा से ज़्यादा आएगा हैशटैग वी गॉट इट, उतनी मेरी मोटिवेशन इंक्रीज होएगी कि आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव, कुछ एक्स्ट्रा लेकर आऊँ. क्लियर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.